ये मूवी रीले नाम की एक छोटी बच्ची की है जिसकी ज़िंदगी में कुछ इमोशंस आए लाइक हैप्पीनेस सैडनेस। जैसे ही वो बॉर्न हुई उसका फर्स्ट इमोशन था हैप्पीनेस एंड दूसरा सैडनेस। जैसे ही रीले थोड़ी बड़ी होती गई इसके ज़िंदगी में और भी इमोशन बढ़ते गए जैसे उदासी डर और यादें। डर उसको गलत काम करने से रोकता था और जो जॉय थी वो रीले को हर हालात में खुशी लाती थी। छोटे छोटे इमोशंस ने उसके दिमाग में एक छोटी छोटी दुनिया बनाई रखी थी चीज़ों की जिसे उसे रोज करना पसंद था जैसे कि फैमिली की दुनिया दोस्तों की दुनिया एंड बहुत कुछ। ये यादों की दुनिया यादों को महफूज रखती थी ताकि वे बड़ी होकर भी इनके यादों को भूले ना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीले अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट होना चाहती है और यहाँ पे इसके इमोशंस खुशी कंट्रोल करती है और वे उसको उस पुराने घर में भी खुश रखती है और पूरे रास्ते भर भी खुश रखती है और वे सारे इस घर को देख के दुखी नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। सारे इमोशन दुख को कभी भी यादों को छूने नहीं देते, अगर वे छू लेती तो उसका मूड पूरा ऑफ हो जाता और जब रीले सो जाती है तभी उसके दिमाग के सारे मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं और खुशी उसको बहुत अच्छे अच्छे सपने भी दिलाती है और फिर रात में अच्छे अच्छे सपने देखने के बाद इसका मूड सुबह बहुत अच्छा होता है और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जब वे स्कूल जाती है तब भी उदासी उसके यादों को छू लेती है जिससे वो रीले नाम की लड़की को अपने पुराने स्कूल की यादें आने लगती है। सारे इमोशंस उसको डांटते हैं और तभी खुशी उसका मूड ठीक करने के लिए जाती है कुछ यादें लेने के लिए तभी उसका पैर फिसलता है और वे ऐसी जगह पे जाती है जहाँ ऐसी यादें हैं जो कभी नहीं भूल सकते और उनके जाने की वजह से वहाँ के सारे रंग उड़ जाते हैं। और अभी रीले के सारे इमोशंस डर ही कंट्रोल कर रहा था इसकी वजह से वो पूरा दिन सहमी सहमी सी थी और इसकी वजह से उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसको अपने कमरे में भेज देते हैं जहाँ रीले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। उसके डैड उससे माफ़ी मांगने के लिए आते हैं लेकिन वे सो जाती है और जहाँ वे उसके यादों का पहाड़ टूट जाता है और वे सारी चीज़ें भूल जाती है और वे अपने फ्रेंड को कॉल करती है तो उसके फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे पुराने घर में बहुत अच्छी लड़की आई है। तो रीले वहाँ भी गुस्सा कर लैपटॉप को बंद कर देती है और अभी उसका पूरा इमोशंस गुस्सा ही कंट्रोल करता है। यहाँ पर यादों की दुनिया पूरी टूट जाती है पे उस खुशी को एक पिंग पोंग नाम का हाथी मिलता है जो उसकी मदद करता है। ये सारी बातें जब वे खुशी पिंग पोंग को बताती है तो पिंग पोंग उनको अपने मंजिल तक जाने के लिए मदद करता है और वे बीच में कहीं कहीं रुकती है और जहाँ फाइनली वे रीले की सोच वाली ट्रेन के पास पहुँच जाते हैं और वे जल्दी ही रीले के सोचों की ट्रेन पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि ये रीले का सोने का वक्त हो गया था तो रीले की ख्वाबों की ट्रेन रुक जाती है और वे सपने देखती है। उसका पूरा इमोशन डर ही कंट्रोल कर रहा था। फिर खुशी बोलती है कि हमें किसी न किसी तरीके से रीले को उठाना होगा। फिर पिंग पोंग बोलता है कि मैं एक तरीके से खुशी को उठा सकता हूँ। तो वे जोकर के पास जाता है और उस जोकर को उठा के उसके ख्वाबों में लेके जाता है जहाँ वे उठ जाती है और फिर से वे ट्रेन चलने लग जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि वे उसका पूरा इमोशन गुस्सा ही कंट्रोल कर रहा था तो वैसे ही वे उठी। वे पूरा गुस्से से लाल हो गई थी और वो रीले को कहता है कि वे उसके पुराने घर पे भाग जाए। तो वो रीले जल्दी अपनी बैग पैक करती है और अपनी मम्मी के पर्स में से पैसे चुरा के भाग जाती है और उसके दिमाग में सच्चाई का पुल जो है वो भी टूट जाता है जिसमें डर और पिंग पोंग बैठे थे। उस ट्रेन के साथ साथ पिंग पोंग और खुशी भी नीचे गिर जाती है और अभी ऊपर अकेली डर ही रहती है। और जब ही खुशी नीचे गिरती है वो आवाज़ देती है पिंग पोंग को। पिंग पोंग और खुशी किसी न किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाते हैं।
और जब वे रॉकेट से ऊपर आ रहे होते हैं, बिग बॉन का वजन होने से बिग बॉन पीछे ही छूट जाता है और खुशी जल्दी जल्दी अपने जगह पे चली जाती है। और वहाँ पे भी कांच होता है तो वे अंदर नहीं घुस पाते, तो उनके फ्रेंड्स किसी न किसी तरीके से उनको अंदर लाने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं। तो उसके फ्रेंड्स गुस्से को बहुत गुस्सा दिलाते हैं और जिससे वो आग का गोला बन जाता है और इसकी मदद से वे दोनों अंदर घुस आते हैं। और उसके बाद खुशी पूरा काम उदासी को सौंप देती है जिससे वे उसका दिल नरम हो जाए और फिर से रीले अपने घर आ जाए। और जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। रीले अपने मम्मी पापा की याद करने लगती है और जल्द ही ट्रेन को रोक देती है और उन्हें बोलती है कि मुझे घर पे जाना है। और वे जल्दी अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है और फिर वे पहले की तरह साथ साथ रहने लगते हैं। और कैसी लगी आपको ये आज की मूवी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।